साल 2008 यह एक ऐसा साल था जिसने क्रिकेट इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, क्योंकि इस साल आईपीएल की शुरुआत होती है। सभी फ्रेंचाइजी देश विदेश के एक से बढ़ के एक खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल करती हैं, और ये सभी खिलाड़ी इस लीग को और भी रोमांचक बनाने का काम करते हैं, साथ में दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग भी। और आज इस वीडियो में इस लीग में खेल रहे एक ऐसी टीम के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई तो उसी के साथ ही इस टीम का भी जन्म होता है। इसके मालिक हैं द इंडिया सीमेंट लिमिटेड। उस वक्त इस टीम को 91 मिलियन डॉलर में खरीदा गया था और इस टीम के पहले मालिक थे यम श्रीनिवासन। जनवरी 2008 में आईपीएल के पहले सीजन की नीलामी होती है और आईपीएल के पहले सीजन में ही सीएसके ने एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल किया। उस वक्त अपने करियर के पीक पर चल रहे एमएस धोनी को सबसे ज्यादा रकम देकर 15 करोड़ में खरीदा था, जो भारतीय टीम के कप्तान भी थे। इनके अलावा मैथ्यू हेडन, माइक हसी और मुरलीधरन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को नीलामी के जरिए अपने टीम में शामिल किया और एमएस धोनी को इस टीम का कप्तान बनाया गया। और जब यह टीम आईपीएल के पहले सीजन में अपने पहले मैच में खेलने उतरी तो पूरी दुनिया को चौंका दिया। सीएसके टीम ने पंजाब के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 240 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर देती है। यह स्कोर इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी रहा। पहले ही सीजन में यह टीम पहले तो 14 मैचों में 8 मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाती है और सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में पंजाब को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लेती है। अब किताब चेन्नई सुपर किंग्स से केवल एक कदम दूर था, लेकिन इनके बीच सामने चट्टान जैसी दीवार खड़ी थी, राजस्थान रॉयल टीम। आईपीएल के पहले फाइनल मैच में दोनों ही टीमों ने हार मानने को तैयार नहीं थी। सीएसके टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन बनाए और यह मैच आखिरी गेंद तक गया, लेकिन सीएसके के हाथ लगी तो केवल निराशा ही। लेकिन दुनिया धोनी के कप्तानी का जौहर पहले ही देख चुकी थी, इस बार नहीं तो अगली बार। लेकिन जब साल 2009 आईपीएल सीजन की शुरुआत होती है तो माइक हसी एशेज सीरीज की तैयारी के लिए आईपीएल से अपना नाम वापस ले लेते हैं और दूसरे सीजन में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके फ्लिंटॉप चोट के कारण इस टीम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यह टीम सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है, लेकिन बंगलोर ने इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इस टीम ने सेमीफाइनल में ही दम तोड़ दिया। अब साल आता है 2010। इस टीम ने शुरुआती 7 मैचों में केवल 2 ही मैच जीत सकी, लेकिन एमएस धोनी को अनहोनी करने के लिए ही जाना जाता है और अगले 5 मैचों में 4 मैच जीतकर गिरते पड़ते यह टीम सेमीफाइनल में पहुंच ही जाती है और सेमीफाइनल में डेक्कन चार्जर्स को हराकर यह टीम फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल में इस टीम का मुकाबला होना था मुंबई इंडियंस से। यह मुकाबला इतना आसान नहीं था। अब फाइनल मैच की शुरुआत होती है। फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं होती है, लेकिन सुरेश रैना की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की मदद से इस टीम ने 168 रनों का स्कोर खड़ा किया और धोनी के पास इसको बचाने के लिए आर अश्विन और मुरलीधरन जैसे तुरुप के इक्के थे, जिन्होंने मिलकर मुंबई की कमर तोड़ दिया और 22 रनों से यह फाइनल मुकाबला जीतकर अपना पहला आईपीएल खिताब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीत लेती है। अब यहां से सीएसके टीम को फाइनल मैच जीतने का चस्का लग चुका था और इसके बाद 2011 का फाइनल भी जीता और हर बार यह टीम सेमीफाइनल में कैसे भी करके जगह बना ही लेती थी। 2012-2013 में फाइनल में पहुंची यह टीम, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आईपीएल 2013 फाइनल के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिया और आगे चलकर यह घटना आईपीएल के ऊपर दाग लगाने वाली थी, एक ऐसा दाग जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता था। जिस दिन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच फाइनल मैच खेला जाना था, उसी दिन सीएसके टीम के मालिक यम श्रीनिवासन के बेटे गुरुनाथ मयप्पन को अरेस्ट कर लिया जाता है, साथ में राजस्थान रॉयल टीम के मालिक राजकुंद्रा को भी। आरोप था मैच फिक्सिंग का और तमाम सबूतों गवाहों के मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने 2015 में सीएसके और राजस्थान रॉयल टीम को 2 सालों के लिए बैन कर देती है। अब धोनी की टीम पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन फिर 2 साल बाद फिर से ये दोनों टीमें आईपीएल में वापसी करती हैं
और एक बार फिर से एमएस धोनी को ही सीएसके टीम का कप्तान बनाया जाता है। धोनी की उम्र बढ़ती जा रही थी लेकिन फिर भी सीएसके फ्रेंचाइजी को धोनी पर भरोसा था। उसके बाद एमएस धोनी उन सभी खिलाड़ियों को वापस से अपनी टीम में शामिल करते हैं और 2018 का आईपीएल सीजन भी अपने नाम कर लेते हैं। आईपीएल इतिहास में तीसरी बार सीएसके टीम चैंपियन बन चुकी थी। उसके बाद 2019 में फाइनल में पहुंची और मुंबई इंडियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस टीम का प्रदर्शन सीजन 2020 में बेहद ही खराब रहा और यह टीम आईपीएल इतिहास में पहली बार लीग स्टेज से ही बाहर हो जाती है और टीम के अंदर मनमुटाव की भी खबरें सामने आती रहती थी। रैना ने एक मैच भी नहीं खेला और अपना नाम आईपीएल से ही वापस ले लिया, लेकिन 2021 में दमदार वापसी कर एक बार फिर से आईपीएल का किताब जीत लेती है। 2022 में जडेजा को इस टीम का कप्तान बनाया जाता है। 8 मैचों में केवल 2 ही मैच यह टीम जीत पाती है और 2023 में यह टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है और पुनः एमएस धोनी इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आज यानी 20 मई 2023 को यदि यह टीम दिल्ली को हरा देती है तो यह टीम एक बार फिर से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। धोनी की कप्तानी में इस टीम ने सबसे ज्यादा मैच जीते। यह टीम 9 बार फाइनल खेल चुकी है जो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में पहुंची है यह टीम। सीएसके एक ऐसी टीम है जिसने अपने किताब को डिपेंड किया है। यह कारनामा 2010 और 2011 में किया था, लगातार 2 ट्रॉफी जीती थी। सीएसके ही पहली टीम है जिसने अपने होम ग्राउंड पर सबसे ज्यादा मैच जीते हैं। सीएसके टीम ने सबसे कम रन डिपेंड किया है, 2016 में महज 109 रन बनाकर डिपेंड किया था। दबाव में बेहतर करना इस टीम की नियति बन चुकी है। धोनी की कप्तानी में एक बार फिर से यह टीम यदि किताब जीत जाती है तो सीएसके फैंस के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।